So hi and welcome to this another episode with me Ashi where we talk about colleges and universities abroad. And in this video, I'm going to talk about that what is study permit in Canada, right? And in this series where I am talking about abroad universities process. एंड मोर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज़ वीज़ा बिकॉज बिना वीज़ा के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो और कितने तरह के वीज़ाज होते हैं क्या रिक्वायरमेंट होती है वो जानना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जहाँ पे सबसे पहली चीज़ है स्टडी परमिट जो है वो डॉक्यूमेंट है इट्स नॉट अ वीजा दैट इज समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये उन स्टूडेंट्स को इशू किया जाता है जो कहीं ना कहीं यू नो जो कैनेडियंस नहीं है राइट हु इज नॉट कैनेडियन सिटीजन और ना ही परमानेंट रेसिडेंट है टू स्टडी एट डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन स्कूल अप्रूव्ड बाय अ प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट टू होस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सो दिस इज बेसिकली स्टडी परमिट ये डॉक्यूमेंट है जो कि इशू करती है कैनेडियन गवर्नमेंट उनको जो कैनेडियन नहीं है या फिर जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है मोस्ट फॉरेन नेशनल नीड्स टू हैव अ स्टडी परमिट टू स्टडी इन कैनेडा यू नीड टू अप्लाई फॉर इट बिफोर यू ट्रैवल टू कैनेडा तो ऑब्वियसली आपको ये कहीं कही ना कहीं जाने से पहले अप्लाई करना पड़ता है अब इसकी जो एप्लीकेशन फीस होती है दैट इज नियर अबाउट 150 डॉलर्स आप इसको इंडियन uh, रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और यूजुअली जो है वो 22 टू ट्वेंटी डेज लगता है प्रोसेस होने में अपार्ट फ्रॉम इट आपकी जो एप्लीकेशन है उसके साथ साथ आपको बायोमेट्रिक भी देना पड़ता है एंड इट इज अ मस्ट मस्ट प्रोसेस यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दैट स्टडी परमिट इज नॉट अ वीजा जैसे मैंने शुरू में ही कहीं ना कहीं आपको बताया था देखो ये ऑल्सो दिप, ये डिपेंड बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तरीके होते हैं और रीजंस होते हैं जो आप अब्रॉड एजुकेशन के लिए जाते हैं इट कैन बी एजुकेशन इट कैन बी यू नो यू वांट टू सेटल देयर इट कैन बी यू नो एनीथिंग राइट तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कोर्स बहुत सारी चीज़ों पे वेरी कर रहा होता है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको कोई भी डिटेल्स रिलेटेड टू अब्रॉड एजुकेशन नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दाए जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं सो so, अपार्ट फ्रॉम दिस स्टडी यू नो परमिट ये एक वीज़ा नहीं है इसके अलावा आपको कुछ और रिक्वायरमेंट है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल या तो आपको एक विजिटर्स वीज़ा रिक्वायरमेंट होगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन राइट right? ये भी वीजा है जिसकी रिक्वायरमेंट होगी विच इज इशूड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ योर कोर्स डिपेंडिंग अपॉन छः महीने से कम का कोर्स है छ महीने से ज्यादा का कोर्स है जैसे फॉर एग्जाम्पल मोस्ट स्टूडेंट नीड अ वीजा और एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथोराइजेशन ई टी ए टू ट्रैवल टू कैनेडा नॉट बोथ सम पीपल यू नो मे ओनली नीड देयर वैलिड पासपोर्ट सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड कोर्स टू कोर्स एग्जाम्पल के तौर पर राइट right, अगर आप छः महीने से कम के ड्यूरेशन के लिए किसी कोर्स के लिए जा रहे हैं देन यू नीड अ विजिटर्स वीजा और ए टी ए इन दोनों में से कोई एक एंड नॉट दी परमिट उस केस में आपको स्टडी परमिट नहीं चाहिए होगा पर अगर आपकी कोर्स की ड्यूरेशन छः महीने से ज्यादा है देन यू नीड यू नो स्टडी परमिट कैनिडियन गवर्नमेंट इश्यूड योर विजिटर्स वीजा या फिर ई टी ए डिपेंडिंग अपॉन योर पासपोर्ट अलोंग विथ स्टडी परमिट इट्स सेल्फ उसके अलावा आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए जब तक आपका वो कोर्स का ड्यूरेशन है तो यू नीड टू जस्ट मेक दिस थिंग वेरी श्योर एंड इफ यू वॉन्ट टू रिसीव अ फास्टर स्टडी परमिट आप इनकी जो वहाँ की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज अगर आप गूगल पे स्टूडेंट डायरेक्ट सॉरी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम सर्च करोगे तो यूल फाइंड दिस वेबसाइट जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं अब डिपेंडिंग ऑन वेर यू लिव यू मे बी एबल टू गेट टू यू नो गेट स्टडी परमिट फास्टर थ्रू दी स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम विच इज कॉल्ड एस डी एस आप गूगल पे स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम सर्च करोगे खुद ही आपके पास वेबसाइट जो है वो आ जाएगी कैनेडियन गवर्नमेंट यू नो प्रोसेस मोस्ट एस डी एस जो भी स्टूडेंट यू नो इसके थ्रू ज्यादातर यू नो स्टडी परमिट यू नो अप्रूव कर देती है इन द वर्किंग डेज दैट इज ट्वेंटी वर्किंग डेज राइट मैं वर्किंग डेज इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप ट्वेंटी डेज देखो तो उसमें कई सारे वर्किंग डेज नहीं है तो ट्वेंटी वर्किंग डेज हाउ एवर सम्लीकेशन मे टेक लॉन्गर टाइम ड्यू टू समॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट कैन बी एनी थिंग उसके अलावा अगर आपको अपनी प्रोसेस और फास्ट करनी है तो आपको आपका बायोमेट्रिक एज सुन एज पॉसिबल कराना पड़ेगा और सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा द एप्लीकेशन फीस फॉर एस डी एस इज ऑल्सो सेम दैट इज वन फिफ्टी डॉलर राइट एंड आई थिंक इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं दैट हु कैन अप्लाई फॉर स्टडी परमिट तो उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डो नॉट फरगेट टू सब्सक्राइब एंड Stay connected. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.